मेरे साइड से सिग्नल का लॉस हो गया। ओके, इट विल टेक लिटिल टाइम। आ जाओ आप लोग फिर से। हेलो। एक्चुअली मैंने वेटिंग रूम का कॉन्सेप्ट को कल हटाने के लिए उस पे सेटिंग्स में किया था, बट पता नहीं क्या इशू था जो है, तो सेटिंग सेव नहीं हुई। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट तो रखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आप ये A+A ट्रांसपोज और A-A ट्रांसपोज तो आप लोग करते रहिए। तो अगर आप मैट्रिक्स सी सी मैट्रिक्स को आप ले लेते हो A+A ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज तुम्हारा हो जाएगा A+A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, A ट्रांसपोज प्लस A डबल ट्रांसपोज। एंड ए डबल ट्रांसपोज आपने देखा था कि वो वापस ए आ जाता है, और कम्यूटेटिव होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया, मतलब ये वापस सी मैट्रिक्स आ गया। तो सी मैट्रिक्स एंड सी ट्रांसपोज बिकम इक्वल, एंड देयर फोर वी विल से दैट सी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। ये अच्छा जी, अगर ये सिमेट्रिक आ गया, अगर ये सिमेट्रिक हो गया, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कोई कांस्टेंट स्केलर से मल्टीप्लाई करो, भी सिमेट्रिक होगा, इज आल्सो सिमेट्रिक। तो ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं डी, विच इज नथिंग बट A-A ट्रांसपोज, तो
तो डी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो डी ट्रांसपोज हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज एंटायर ट्रांसपोज, डिस्ट्रीब्यूट किया, इट इज ए ट्रांसपोज माइनस ए डबल ट्रांसपोज, तो इट इज ए ट्रांसपोज माइनस ए. नाउ हियर इफ यू टेक माइनस कॉमन, इट इज ए नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारा क्या था, डी था, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस ऑफ डी. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो डी ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ डी, नेगेटिव ऑफ डी है. तो ये अभी हम लोग नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो स्क्यू सिमेट्रिक, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो अभी उसको हम लोग, हमने टेकअप नहीं किया, उसको डिफाइन करने जा रहे हैं. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन कर लेते हैं. हाँ जी, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो कुछ ये थी कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम सिमेट्रिक होगा, प्रोडक्ट, एंड उनका डिफरेंस सिमेट्रिक होगा. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिमेट्रिक मिलेगा. एंड दो मैट्रिसेस अगर सिमेट्रिक हैं तो उनका प्रोडक्ट मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ये आप कैसे जज करेंगे. तो अगर मैं बोलता हूं लेट अस से सी इज इक्वल टू ए बी एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट सी ट्रांसपोज, इट विल बिकम ए बी ट्रांसपोज. मैं ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, ओके, ओके, राइट. सो ए बी ट्रांसपोज प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ. एंड बी ट्रांसपोज हमने बोला कि ए एंड बी सिमेट्रिक है. अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए हो जाएगा, और बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. तो मैं यहां लिखूंगा बी ट्रांसपोज की जगह बी और ए ट्रांसपोज की जगह पर ए. अभी आ गया बी ए, और सी मैट्रिक्स हमारा क्या था, ए बी था, और ये क्या है, बी ए है. इसका मतलब सी ट्रांसपोज सी के इक्वल नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू सी. कब होगा, बिकॉज बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी. अगर कोई मैट्रिक्स इस बात को फॉलो करता है कि ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब अगर वो कम्यूटेटिव है, तो उस केस में इफ ए बी इक्वल टू बी ए, देन बी ए की जगह हम क्या लिख सकेंगे, ए बी, और ए बी क्या हो जाएगा, सी. तो उस केस में हमारा सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी प्रूव हो जाएगा. मतलब है कि अगर आपको, आपसे कोई बोलता है कि दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का प्रोडक्ट मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे जब ए बी इक्वल टू बी ए हो. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कम्यूट, देन द प्रोडक्ट मैट्रिक्स विल आल्सो बी सिमेट्रिक. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब सिमेट्रिक समझ गए तो स्क्यू सिमेट्रिक बहुत सिंपल है. डेफिनेशन लिख दो और अपने आप इसके सारे प्रूफ खुद करो. तो डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अगेन ऑल दीज डेफिनेशंस आर फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस. अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक. अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ. अब यहां रुको, सिमेट्रिक में क्या बोला था आपने, रिकॉल करो, सिमेट्रिक में आपने क्या बोला था, आई जे एथ एलिमेंट इज इक्वल टू जे आई एथ एलिमेंट, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई. स्क्यू वर्ड जहां आएगा वहां पर नेगेटिव आएगा, मैट्रिक्स थ्योरी में नेगेटिव माइनस साइन आएगा. तो अगर आई जे एथ एलिमेंट इज इक्वल टू जे आई एथ एलिमेंट, देन इट विल बी सिमेट्रिक. एंड इफ आई जे एथ एलिमेंट इज नेगेटिव ऑफ जे आई एथ एलिमेंट, नेगेटिव ऑफ जे आई एथ एलिमेंट, देन इट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक. तो आप लिखेंगे कि मान लो ये एक मैट्रिक्स है, देखो ध्यान से देखो, डायगोनल एंट्री जीरो है, नॉन डायगोनल में यहाँ एच है, वन टू एलिमेंट एच है, तो टू वन एलिमेंट नेगेटिव ऑफ एच है, वन थ्री एलिमेंट जी है, तो टू वन एलिमेंट नेगेटिव ऑफ जी है, टू थ्री एलिमेंट
एफ है तो 3-2 एलिमेंट नेगेटिव ऑफ एफ है, तो आई जे एथ एलिमेंट जे आई एथ एलिमेंट का नेगेटिव है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम बोलेंगे ए आई जे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई। इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूं मैं, सिमेट्रिक के लिए ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए आई जे इज नेगेटिव ऑफ ए जे आई। अब अगर ऐसा हुआ तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, व्हाट विल बी द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज क्या होगा, अगर ए है ये तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा बी जे आई एन बाई एन, वेयर बी जे आई इज नथिंग बट ए आई जे। तो हमने बोल दिया बी जे आई हमारा हो गया ए आई जे, तो बेसिकली यहां पर हो जाएगा हमारा नेगेटिव ऑफ ए आई जे, क्लियर है, एंड सो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे, सो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि हमारा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इट इज सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज इज माइनस ए देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो प्रूफ भी मैंने बता ही दिया कि ए ट्रांसपोज ए जे आई एन प्लस एन होगा और ए जे आई इज माइनस एफ ए आई जे, माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन आपने पढ़ा हुआ है कि के टाइम्स ए है तो के बाहर हो जाएगा एंड देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज माइनस ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल ऑल बी जीरो। मतलब अगर मैं बोलता हूं एक मैट्रिक्स है, यहां पर एलिमेंट है 1, ये एलिमेंट है 3, ये एलिमेंट है -3, ये एलिमेंट है 0, तो क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? तो आप सिर्फ ये एलिमेंट को देख करके बोल देंगे कि ठीक है ये 1-2 एलिमेंट इज नेगेटिव ऑफ 2-1 एंड 2-1 एलिमेंट इज नेगेटिव ऑफ 1-2, सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन इट विल बी रॉन्ग, बिकॉज डेफिनेशन बोलती है कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल आई एंड जे। अगर कोई बात हर एक आई और जे के लिए वैलिड है तो वो आई इक्वल टू जे के लिए भी वैलिड होगी। तो मैं बोलूंगा If I equal to J, तो हमें मिलना चाहिए क्या, इसी डेफिनेशन से क्या मिलना चाहिए, ए आई आई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए आई आई। इसका मतलब है कि डबल ऑफ ए आई आई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है ए आई आई इक्वल टू जीरो एंड दिस इज टू फॉर ऑल आई। तो ए आई 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 इक्वल टू जे का मतलब क्या होता है, आई इक्वल टू जे का मतलब होता है आई एम टॉकिंग ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, तो ऑल डायगोनल एलिमेंट विल बी जीरो, तो डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो ये हो गया तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का तीसरी प्रॉपर्टी। एक बार फिर से रिकॉल करो, पहली प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने, आई जे एथ एलिमेंट एंड जे आई एथ एलिमेंट विल बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर। उसी प्रॉपर्टी का आउटकम है कि डायगोनल एंट्रीज विल बी ऑल जीरो, डायगोनल एंट्रीज विल बी ऑल जीरो। एंड तीसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि वेन यू टेक द ट्रांसपोज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यू गेट द सेम मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई -1,
तो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स बन जाएगा, ट्रांसपोज करने पर एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी तो मैंने पहले प्रूफ कर दी थी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हो तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जनरेट होता है, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करते हो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जनरेट होता है। इसका मतलब है कि ए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ये बात फाइनल कंक्लूजन है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, आपकी रिप्लाई आनी चाहिए। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा मैं पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे, ऑलवेज सिमेट्रिक। और a माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा तो आप बोलेंगे ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। एंड अगर मैं a प्लस ए ट्रांसपोज में कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या रहेगा, सिमेट्रिक। अगर मैं a माइनस ए ट्रांसपोज में कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। गुड, वेरी गुड। सो अब अगर ऐसे दो को ऐड करते हैं तो अब जरा ध्यान से देखो, तो सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड सेम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो ए का मल्टीपल आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखा जा सकता है। दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी, लिख दो कहीं पर, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज समेशन ऑफ अ सिमेट्रिक एंड skew symmetric matrix। मैं क्या बोल रहा हूं ये बात आप समझ रहे हो ना, मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं कि अगर एक a square matrix है तो मैं इसको लिख सकता हूं a plus a transpose by 2, half of a plus a transpose प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू। ये वाला मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा एज पर दी डिस्कशन, और ये वाला मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा एज पर आवर डिस्कशन। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और ये एक्सप्रेशन यूनिक होगा। तो यहां लिख दो यूनिकली। अब ये यूनिकनेस कैसे प्रूव करेंगे, तो इसका भी मैं एक तरीका बताता हूं। देखो ऐसे समझो कि मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और मैंने बोला कि ए इज रिटन एज बी प्लस सी, वेयर मैंने मान लिया लेट ए इज रिटन एज बी प्लस सी वेयर बी ट्रांसपोज इज बी। इसका मतलब क्या हुआ जी कि B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये अज्यूम किया, एंड C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस C, मतलब C इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये अज्यूम कर लिया। जैसे ही अज्यूम किया तो इस अजम्पशन से मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि B एंड C की सिर्फ यूनिकली एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि B जो है वो ये हो जाएगा और C जो है ये हो जाएगा। मैंने क्या बोला, इस इक्वेशन का ट्रांसपोज कर लो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी प्लस सी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज। बट बी ट्रांसपोज क्या है, बी है, और सी ट्रांसपोज क्या है, माइनस सी है। ये ए ट्रांसपोज आ गया, ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन क्रिएट हो गया। अब आप जरा ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, अगर इन दोनों इक्वेशन को आप एड कर देते हो, सिंपली एड करते हो, तो क्या आएगा, 2b is equal to a plus a transpose and therefore
टू से डिवाइड कर देते हो दोनों साइड में, तो बी आ जाएगा क्या, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर दो तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा सी। इसका मतलब मैंने प्रूव किया कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी स्प्लिट इनटू समेशन ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड दिस मेथड ऑफ ब्रेकिंग इनटू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज यूनिक। आप दो डिफरेंट तरीके से आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये प्रॉपर्टी आपने कर ली कि स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे आप ब्रेक करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। फिर ये दो प्रॉपर्टीज लिख लो अभी आप, और ये डिटरमिनेंट करते समय कल के लेक्चर में ये सब डिटरमिनेंट में प्रूव होंगी। तो आप लिख दो, डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद ऑड ऑर्डर। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब उसके डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट एक दूसरे के अक्रॉस द डायगोनल नेगेटिव हैं, तो ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होगा अगर उसका ऑर्डर ऑड है, और अगर ऑर्डर इवन है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी होगी। मतलब मान लो कि ऐसा है, अगर मान लो एक मैट्रिक्स है जीरो जीरो एक्स माइनस एक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। इसका डिटरमिनेंट लिखोगे तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो होगा माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी भी इवन ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर इवन ऑर्डर का, तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। और ऑड ऑर्डर का मतलब कोई डिटरमिनेंट अगर ऐसा है, कोई मैट्रिक्स अगर ऐसा है जीरो ए बी माइनस ए माइनस बी जीरो सी माइनस सी जीरो, ये स्क्यू सिमेट्रिक है थ्री बाई थ्री ऑड ऑर्डर है इसका, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। ये हम लोग अगली क्लास में डिटरमिनेंट करते समय ये सब प्रूफ करेंगे। तो हियर वी आर डन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब इसके बाद में दो डेफिनेशन है जो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप में आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप उसको करेंगे, नहीं इंटरेस्ट है तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो मैं उस दोनों डेफिनेशंस को करा देता हूं, क्योंकि नया जो अगला टॉपिक है डिटरमिनेंट का वो तो कल के लेक्चर में ही शुरू करेंगे, तो आप इसको भी देख लो। एक है हर्मिशियन मैट्रिक्स, समझ में सब कुछ आएगा क्योंकि पीछे मैं सारा बैकअप सारी बातें बता चुका हूं। तो आप लिखेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन। आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल? ओके, अ स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते लिखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन इफ एंड ओनली इफ द एलिमेंट्स अक्रॉस द प्रिंसिपल डायगोनल आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। If and only if elements across the principal diagonal are conjugate of each other. अब ये जो मैंने बोला इसका मतलब क्या है पहले समझो। ijth element और jith element ये principal diagonal के across element है, ये दोनों element एक दूसरे के conjugate होने चाहिए। तो a square matrix A will be said to be Hermitian matrix if and only if aij is aji bar या aji is aij bar। और अगर ऐसा होगा तो ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट विल बिकम ए।
या ए ट्रांसपोज्ड कंजुगेट इज इक्वल टू ए, इसको प्रूव ही कर सकते हैं. देखो एक लाइन में हमने बोला ये चीज याद रखो, क्या याद रखो, ए ट्रांसपोज लिखना है मुझे तो क्या लिखूंगा मैं, ए ट्रांसपोज लिखूंगा बी बी जे आई एन बाय एन या बी आई जे भी लिख सकते. अब ए ट्रांसपोज का हमें करना है कॉन्जुगेट, बी जे आई क्या होगा, बी जे आई होगा ए आई जे, ए आई जे हो गए एन बाय एन. फिर ए ट्रांसपोज का हम कर देंगे कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा तुम्हारा ये पूरे मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट, मतलब है कि एलिमेंट का कॉन्जुगेट, तो ए आई जे का कॉन्जुगेट हो गया. और ए आई जे का कॉन्जुगेट क्या होगा, ए जे आई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए जे आई, मतलब ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट जो आ गया वो बेसिकली तुम्हारा ए आ जाएगा ना. तो ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट करोगे तो ए आ जाएगा, या ए कॉन्जुगेट करके और ट्रांसपोज करोगे तो वापस ए आ जाएगा. तो अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है, अगर कोई मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है, जैसे कि मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है, डेफिनेशन क्या थी, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई का बार, और ये बात हर एक आई एंड जे के लिए वैलिड है, तो डेफिनेटली आई इक्वल टू जे पर भी वैलिड होनी चाहिए. तो ए आई आई डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, विल बी ए आई आई का कंजुगेट. कोई नंबर अपनी कंजुगेट कब होगी, जब वो नंबर रियल है. तो रियल नंबर होगी, डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे. तो मान लो हमने बोल दिया कि ये एलिमेंट टू है, ये है थ्री प्लस आयोटा है, ये टू माइनस आयोटा है, ये वन टू एलिमेंट है. टू वन एलिमेंट क्या हो जाएगा, थ्री माइनस आयोटा, टू माइनस आयोटा का कंजुगेट टू प्लस आयोटा. डायगोनल में यहां जीरो है, यहां पर फोर, यहां पर है वन प्लस थ्री आयोटा, तो यहां हो जाएगा वन माइनस थ्री आयोटा. मतलब कि दो बातें ऑब्जर्वेबल है, एक डायगोनल के एलिमेंट रियल होने चाहिए और दूसरा प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए. ये दोनों कॉन्जुगेट हैं, ये दोनों कॉन्जुगेट हैं अक्रॉस द प्रिंसिपल डायगोनल, आईजीएफ एंड जीआईएफ कॉन्जुगेट होंगे, तो हम बोलेंगे कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है. और हर्मिशियन मैट्रिक्स होने की पहचान क्या है, कि पहले आप कॉन्जुगेट करके फिर ट्रांसपोज करो तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, या पहले ट्रांसपोज करके और फिर कॉन्जुगेट करो, ट्रांसपोज ले करके फिर कॉन्जुगेट करो, यू गेट द सेम मैट्रिक्स. So this is about Hermitian matrices. इसी तरह से skew Hermitian matrix जो है वो भी आप लिख लो. A square matrix A is called skew. अब याद करो skew मतलब मैंने क्या बताया था, skew मतलब negative. A square matrix A is called skew Hermitian matrix if and only if Aij is negative of Aji conjugate. अगर Aij Aji conjugate के equal है तो Hermitian है, अगर conjugate करके negative हो गया तो उसको हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे. अब अगर ये प्रॉपर्टी है तो आप मुझे बताओ कि डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट कैसा होना चाहिए. तो जैसे मैं बोलूंगा डायगोनल एलिमेंट कैसा होना चाहिए, तो आप फटाफट आई इक्वल टू जे कर देना इसी डेफिनेशन में. आई इक्वल टू जे करोगे तो आप लिखोगे ए आई आई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए आई आई कॉन्जुगेट. Yes. तो यहां से आया ए आई आई इज प्लस ए आई आई कॉन्जुगेट होना चाहिए जीरो. तो नंबर और नंबर के कॉन्जुगेट को बोलते हैं ट्वाइस रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ ए आई आई जीरो. अगर किसी
नंबर का रियल पार्ट जीरो है तो वो नंबर बोली जाती है प्योरली इमेजिनरी. तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर प्योरली इमेजिनरी, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी प्योरली इमेजिनरी. उसका रियल पार्ट डायगोनल एलिमेंट का क्या होना चाहिए? जीरो. तो ये हो गया स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन. द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल आर प्योरली इमेजिनरी और हर्मिशियन में एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल शैल बी प्योरली रियल. फिर हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस का जो दूसरी जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या थी? तो हर्मिशियन में आपने बोला ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए, और इसके हर्मिशियन में क्या बोलेंगे? ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ए. एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से प्रूफ हो जाएगा. तो ये दोनों मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्री दो बातें थी वो क्लियर हो गई. अब जैसे मैंने बोला कि ये मैट्रिक्स है, ये हर्मिशियन है या नहीं, तो डायगोनल एलिमेंट प्योरली रियल नहीं है, हालांकि नॉन डायगोनल एलिमेंट कॉन्जुगेट है, तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है. इसी तरह से जो दूसरा मैट्रिक्स है, ये डायगोनल एलिमेंट सारे रियल हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एंड 2-3 एलिमेंट 3-2 का कॉन्जुगेट है, तो इट इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स. राइट. अब जैसे मैंने बोला कि ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू हर्मिशियन है कि नहीं है, तो सबसे पहले स्क्यू हर्मिशियन के लिए आपने दो बातें देखनी है. एक तो देखना है कि डायगोनल एंट्रीज क्या हैं. तो डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे हमारा क्या होने चाहिए? प्योरली इमेजिनरी. तो ये रियल है, ये रियल है, तो ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है. ऑल्दो नॉन डायगोनल एलिमेंट को देखो तो 2+ आयटा का कॉन्जुगेट क्या है? 2-आयटा, और उसका नेगेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा. तो वो सारी डेफिनेशन ठीक है, बट डायगोनल एंट्री ही डेफिनेशन को डिनाई कर रही है, तो ये इसकी हर्मिशियन नहीं है. वेयर एज ये, तो डायगोनल एंट्रीज देखो, डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी प्योरली इमेजिनरी है. नॉन डायगोनल एलिमेंट देखो, नॉन डायगोनल एलिमेंट में A12 क्या है? तो आपने देखा 3+ आयटा. A12 का कॉन्जुगेट क्या है? तो ये है 3-आयटा, और उसका नेगेटिव क्या है? तो ये है -3+ आयटा. ये देखो सही है. तो 1-2, 2-1 के कॉन्जुगेट का नेगेटिव है, 1-3 एलिमेंट 3-1 के कॉन्जुगेट का नेगेटिव है, 2-3 एलिमेंट 3-2 के कॉन्जुगेट का नेगेटिव है. तो इसका मतलब ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है. अब ये हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस का सिर्फ रोल ये है कि डिटर्मिनेंट में इनकी भी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, जो कि डिटर्मिनेंट में हम लोग प्रूव करेंगे. तो लास्ट में एक पॉइंट ऐड कर दो, प्रॉपर्टीज. अब ये प्रॉपर्टीज फटाफट एक जगह नोट कर लो. पहला, ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी प्योरली रियल, जो अभी हमने जस्ट प्रूफ किया. प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, प्रूफ पहले कर चुके हैं, आप प्रूफ को स्किप कर सकते हैं. दूसरी प्रॉपर्टी, ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स शैल बी प्योरली इमेजिनरी. प्रूफ बिल्कुल सिमिलर है अभी जस्ट जैसे मैं करके दिखा रहा था. एंड तीसरा, डिटर्मिनेंट, ये इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज प्योरली रियल. अगर कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स मिलता है, मतलब अगर उसके डायगोनल एलिमेंट प्योरली रियल है और आईजेथ एलिमेंट जेआईथ का कॉन्जुगेट है, तो ऐसे मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट की वैल्यू रियल नंबर होगी ऑलवेज. ये अगर आपको पता है तो बहुत सारे क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली देख के आप आंसर कर पाएंगे. एंड अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसके ऑर्डर पे डिपेंडेंट होगी. डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स विल बी ऑलवेज प्योरली इमेजिनरी.
बट अगर उसका डिटर्मिनेंट, अगर उसका ऑर्डर इवन है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्योरली रियल होगी। ये दोनों प्रूफ हम लोग करेंगे डिटर्मिनेंट करते समय, मतलब नेक्स्ट दो लेक्चर में। ये जो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की जो डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी है, ये हम लोग डिटर्मिनेंट में प्रूफ करेंगे। तो अभी प्रॉपर्टी सिर्फ मेंशन कर लेनी है अपने नोट्स में, उसको प्रूफ हम लोग नेक्स्ट टू लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। तो आज का डिस्कशन में हमने कोशिश करी कि डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का जो भी है, स्पेशल मैट्रिसेस तक, जो प्रॉपर्टीज में डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट कोई इस्तेमाल नहीं था, वो सारी प्रॉपर्टीज को हमने कवर किया और वो सारे कॉन्सेप्ट को टेकअप किया। अब आप, आपने किया ही होगा, जो गेम थ्री के सारे क्वेश्चंस आप बोल रहे हो ही गए हैं। सिर्फ दो प्रॉब्लम्स आपने बोली थी, एक तो थर्ड क्वेश्चन था जो एनीवे कवर हो गया आज की क्लास में, थर्ड एंड फोर्थ वगैरह, फिर एक 24th, 25th, 26th क्वेश्चन जो है, rather 24th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आप सिमेट्रिक से था, आप अपने आप हो जाएगा। यस, तो जो गेम फोर है, गेम फोर मैं आज असाइनमेंट के फॉर्म में, असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगा। गेम फोर, गेम फोर में लास्ट में अराउंड 4-5 क्वेश्चंस हैं, वो आप नहीं करेंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 10। गेम फोर में आपको सॉल्व करना है। तो टुडे आप गेम फोर डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ का जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको मैं देख लूंगा, एंड सॉल्व अप टू क्वेश्चन 4। ओके, ऐसा करता हूं मैं, अगर आपको ऐप के ऊपर में गेम 3 नहीं मिली है, हालांकि मैंने गेम 3 कल मैंने खुद पर्सनली अपलोड किया था, नहीं मिली है तो मैं ऐसा करता हूं कि उसका पीडीएफ जो है ग्रुप पे डाल देता हूं, इट्स ओके। तो गेम 3 और गेम 4 का पीडीएफ, गेम 3 एंड गेम 4, ये दोनों पीडीएफ मैं ग्रुप पे भी डाल देता हूँ, ऐप पे है और ग्रुप पे भी डाल देता हूँ। आई थिंक ग्रुप पे चला जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप गेम 4 में, मैंने बोला कहां तक करने के लिए, अप टू क्वेश्चन नंबर 10। यस, तो ये सारे सम्स जो है आज जो कवर अप हुआ उसमें ये अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक है। इनफैक्ट 11th क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 11 कर सकते हो, 11 तक ये करके आएंगे। उसके बाद वाले क्वेश्चंस जो है डिटरमिनेंट पे बेस्ड है, अभी नहीं करेंगे उसको। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। ओके?